हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एयरफोर्स म्यूजिशियन की जो भर्ती आई है, दैट इज़ रैली भर्ती, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे अभी कन्फ्यूजन में हैं, ये किसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होगा। बहुतों को लग रहा है ना कि इसके अंदर रिटन एग्जाम पे सिलेक्शन हो जाएगा, खाली सर्टिफिकेट दिखा दो इंस्ट्रूमेंट का, म्यूजिक का, हो जाएगा हमारा। ऐसा नहीं, इसमें कम्प्लीट क्या प्रोसेस है, कट ऑफ लगभग क्या रह सकती है, ठीक है। एग्जैक्टली कट ऑफ तो बता पाना किसी को अभी पता नहीं होता, क्योंकि रैली भर्ती के अंदर सिनेरियो कुछ अलग होता है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें जो रेगुलर भर्ती होती है उनसे हटके होता है ये सब चीज़ें, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किसका सिलेक्शन होगा, हर चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसका क्या रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो मैं बोलता हूँ हाँ, एक अच्छा खासा रिटन एग्जामिनेशन होगा। बोलो कि अच्छा खासा का मतलब क्या, इसमें क्या 100-200 क्वेश्चन रहेंगे? नहीं, जस्ट 30 क्वेश्चन रहेंगे, और वो 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के रहेंगे, उसमें ना तो मैथ आएगा। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिसका मैथ जीके खराब रहता है, इंग्लिश वगैरह तो पढ़ते रहना। अगर आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियस चीज़ आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कोस्ट गार्ड कर रहे हो, एयरफोर्स कर रहे हो, नेवी कर रहे हो, एनडीए वगैरह की तो बात ही छोड़ो, उसका लेवल अच्छा खासा ही रहता है यार, अग्निवीर से तो अच्छा रहता है। अगर हम आर्मी की छोड़ दे तो ठीक है, डिफेंस के अंदर आर्मी भी आता है जहाँ पर आपको इंग्लिश नहीं दिखती है, बट आर्मी की अगर आपको ऑफिसर रैंक पर जाना है, एनडीए सीडीएस, तो वहाँ पर भी इंग्लिश आएगा, तो है ना, तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा भाई। तो आप ये सोच रहे हो कि इंग्लिश ख़राब है और हम सिलेक्शन ले लेंगे यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी गंदी है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रिटेन हो जाएगा जाते जाते? नहीं, जब आपका एंट्री होगा, आपके बायोमेट्रिक्स वगैरह लेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, इनिशियल डॉक्यूमेंट जो होते हैं एंट्री के लिए, वो सभी चीज़ें, देन आपको क्या करेंगे, बुलाएंगे। क्या करेंगे, बुला के कहेंगे भाई आ जाओ, बजाना शुरू कर दो। मतलब उन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में इस चीज़ का जिक्र किया है कि हम स्किल टेस्ट लेंगे सबसे पहले। स्किल टेस्ट क्या करेंगे भाई, स्किल टेस्ट के अंदर आपने जिस चीज़ का सर्टिफिकेट बनवा रखा है, चाहे किसी भी तरीके से, ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, किसी ने फ्लूट का होगा, किसी का गिटार का होगा, या फिर जो भी चीज़ है, ठीक है, अपना अपना जो है, उतने सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम भी मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, अगर जुबान पे हारमोनियम होता है और जो भी चीज़ है, तो वो सभी चीज़ों का आपने बना रखा होगा, तो वहाँ पे नाच के नहीं दिखाना है, वहाँ पे बजा के दिखाना है, ठीक है। ये नहीं जाके कहोगे सर हमने बनवा लिया, हम नाच के दिखा देंगे, आपको नाच के नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आपसे कहेंगे बजाओ, वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा, अगर आप अच्छे से बजा लेते हो, ठीक है, देन तभी आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप नहीं होगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो स्किल टेस्ट में जो बच्चा पार होगा, ठीक है, पार होगा मतलब पास हो जाएगा स्किल टेस्ट में, ऐसा नहीं कि जा रहा है बांसुरी बजा रहा है और कुछ भी फूंक रहा हवा और जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, ठीक है, वैसे नहीं। जो भी चीज़ एक प्रॉपर वे में बजाएगा, वो ट्यून भी बोल सकते हैं, आपको दे सकते हैं टास्क, ये ट्यून बजाओ कुछ, ठीक है, तो आपको करना होगा और आपने प्रॉपर क्लास की होगी, ठीक है, तो आपको पता होगा, आप कर लोगे, स्किल टेस्ट पार करोगे, ठीक है ना। अगर पास कर लेते हो जो भी चीज़ का, वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने सर्टिफिकेट पर लिखवाया है, देन आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा, और उस रिटेन एग्जामिनेशन जो होगा OMR पेपर के ऊपर होगा, जिसमें कि 30 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, और ये 300 के 300 क्या रहेंगे, तो 30 में से देखो, पहली बात तो ये ऑफलाइन पेपर है, तो OMR पे होगा आपको ब्लू एंड ब्लैक, कुछ भी एक बॉल पेपर ले, बॉल पेन ले जाओ, ठीक है, दोनों ले जा सकते हो, या फिर दोनों ब्लू ले जाओ, दोनों ब्लैक ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, ले जाना आपको। देखो अगर 30 क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे ऑब्वियस चीज़ है, 5 क्वेश्चन आपके पैसेज के देखने के लिए तो मिलते हैं, आराम से दिख जाएंगे वो क्या, आपका आराम से आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा हो सकता है इससे कम नहीं, 9-10 आप एक्सपेक्ट कर लो, यहाँ पे 10 क्वेश्चन कम से कम वोकैब के होंगे। वोकैबलरी अपने आप में एक बड़ा सेक्शन होता है, आपके सिनोनिम्स के 2 सवाल, देखो सिनोनिम्स के 2 सवाल कर दे, एंटोनिम के 2 सवाल कर दे, एडियम के 2 सवाल कर दे, आपसे वन वर्ड के 2 सवाल कर दे, स्पेलिंग टेस्ट जिसको हम लोग मिसेस पेल्ड कहते हैं उसके 2 सवाल कह दे, मिनिमम अगर लेके जा रहा हूँ तो भी यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके बन गए, ठीक है। इट मीन्स कि आपके पैसेज से, कॉम्प्रीहेंशन से 5 सवाल, आपके वोकेबलरी से 10 सवाल बन रहे हैं, बाकी के 15 सवाल क्या वो कॉमन ईयर के क्वेश्चन डाल देंगे? नहीं, उसमें भी आपको देख लो, 4 क्वेश्चन अगर कॉमन ईयर के दिखेंगे तो जहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको फिलर्स दिखेंगे, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आपको उसमें दिख जाएंगे। एक्टिव पैसिव तो पूछता ही, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड उसकी आदत है, नरेशन चेंज करने के लिए तो पूछता ही पूछता है, ये भी चीज़ आपको पता है। और इसके अलावा जो बचेंगे, हो सकता है कि एक्टिव पैसिव डबल कर दे, नरेशन डबल कर दे, या फिर कॉमन ईयर फिलर्स ज़्यादा कर दे, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें पूछ लेगा। या फिर आपसे वो पूछता है ना कि इसका नाउन फॉर्म बता दो, इसका एडवर्ब फॉर्म बता दो, ये तो आदत है एयरफोर्स की, तो वो सभी चीज़ें पूछी जाएंगी।
कहते हैं ना फिलर्स के अंदर वो पूछ लेंगे आपसे, लाइक प्रिपोजिशन, फिक्स प्रिपोजिशन पर आधारित तो बहुत ज़्यादा पूछते, लेकिन आजकल फिक्स प्रिपोजिशन के अलावा ना वो कंजक्शनल भी पूछ ले रहे हैं वो लोग फिलर्स के अंदर, क्या कंजक्शन फिल करेंगे, या फिर आपसे वो इसको ये कहते हैं ना जैसे कि क्वेश्चन टैग, उससे रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे। तो ग्रामर सेक्शन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो दो पार्ट में बांटो इंग्लिश को, ग्रामर आपका 15 रहेगा एंड वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मिला के 50 होंगे। तो गाइज इसके अंदर आपको एक काम कर सकते हो, आपने कहीं से भी बैचेज लेके पढ़े हो, एक्स वाई का जो बैच लेके पढ़े हो ना आपने अगर, या फिर नेवी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए बैच लेके पढ़े हो, उसका रिवीजन करो। स्पेशली एयरमैन म्यूजिशियन के लिए इंग्लिश लेके पढ़ने की बेवकूफ़ी मत करना, बहुत लोग आएंगे। इनफैक्ट मैं भी बोल सकता हूँ ना कि आ जाओ, मैंने बैच लॉन्च कर दी है भाई, आ जाओ पढ़ लो हमारे पास, पैसा बर्बाद और समय का तमाशा बनेगा, ठीक है? तो पैसे को वेस्ट मत करना, चीज़ें वही होती है, ग्रामर चेंज नहीं होता, वोकैबुलरी चेंज नहीं होता। आपने जो भी बैचेज जहाँ से भी लिया वहाँ से पढ़ो, अगर अभी तक आपने नहीं लिया ना तो आगे आने वाले एग्जाम जो अदर देन साइंस, ठीक है, या फिर साइंस, जिसको हम लोग वाई ग्रुप एंड एक्स ग्रुप, एक्स वाई जो आने वाली भर्ती रिसेंट में आने वाली जुलाई तक, उसकी तैयारी करो, उसकी बैच लो, उसकी बैच अभी से ले लो, और उसमें सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ो जहाँ से भी पढ़ रहे हो। हमारी बैच अगर वाई ग्रुप की लेते हो वहाँ से भी आप फुल बैच मिलेगी, सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे। भाई अगर सिर्फ आप इंग्लिश के लिए अगर बैच लेते हो तो वो भी 200 से कम कोई देगा नहीं, फुल बैच लोगे 500 में फुल बैच मिल जाएगा, ताकि बाद में आपको खरीदना ना पड़ेगा, ठीक है? तो फुल बैच लेना जहाँ पे आपको हर जगह आजकल टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दे रहे बैच के अंदर, नोट्स अवेलेबल करा दे रहे बैच के अंदर, तो वो सभी चीज़ों पे फोकस्ड करो और उसमें का खाली इंग्लिश पढ़ो। अभी बाकी चीज़ों को फिलहाल के लिए साइड कर दो, जो भी आपके पास 20 दिन 25 दिन जो भी टाइम है उसके, अभी अभी सिर्फ आप फिलहाल में बैच ले लो फुल वाला, जहाँ से भी आपको लेना। आप ए टू जेड स्टडी से भी ले सकते हो, ए टू जेड स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके आप बैच वहाँ से फुल बैच अग्निवीर अदर देन साइंस का ले सकते हो, या फिर सिर्फ इंग्लिश की बैच है वो भी ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा फुल बैच लेना, ठीक है? ताकि आने वाले एग्जाम के टाइम पे आपको दोबारा पैसा खर्च ना करना पड़े। और उसमें क्या, देखो अभी साइंस, जीके, मैथ भी सब कुछ साइड कर दो, रीजनिंग वगैरह फिलहाल जो पहले है इंग्लिश उस पर फोकस करो, बिकॉज इंग्लिश को भी पढ़ने में, ख़त्म करने में एक अच्छा खासा टाइम जाता है, नोटिफिकेशन आने तक, मतलब अगली भर्ती आने तक और इधर रैली होने तक आप इंग्लिश को दबा के पढ़ लो, ताकि जब अगली भर्ती आएगी ना अग्निवीर की, तब तक आप इंग्लिश में महारत हासिल कर लियोगे, ठीक है? हमारी बैच में आपको क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। ए टू जेड स्टडी ऐप पे जाओगे तो आपको स्पेस वॉरियर बैच होगी, जहाँ पे 513 रुपये लगते हैं, उसके अंदर आपको रागा और इंग्लिश के दोनों सेक्शन मिल जाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाती है, ग्रामर की क्लास एंड वोकैबुलरी के लिए PDF मिल जाती है, ग्रामर प्रैक्टिस के लिए PDF मिल जाती है, तो ये सभी चीज़ें मिल जाती है। अगर आपको बैचेस के बारे में जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप करके हमारी टीम मेंबर से पूछ सकते हो 7279047787, और फुल बैच ज्वाइन करके प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कहीं से भी लो, चाहे आप ए टू जेड स्टडी से लो या फिर कहीं से भी ले रहे हो, फुल बैच लेना। म्यूजिशियन की बैच लेनी बेवकूफ़ी होगी, अगर आपकी अदर एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो तभी इसका कोई इंग्लिश का बैच लेना, अदरवाइज अगर आप अग्निवीर के लिए एलिजिबल हो तो आप फुल बैच लेना, ठीक है? ठीक है, आप जब रिटेन हो जाता है, रिटेन आप दे लोगे तो आपको रिटेन में पास कर दिया जाएगा, देन आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर क्या होगा मैं समझाता हूँ, आपका जनरली रनिंग होता है, पुशअप्स होते हैं, स्क्वाट्स होते हैं, सिटअप्स होते हैं, तो लेडी गर्ल्स के लिए क्या होगा, फीमेल के लिए तो पुशअप्स नहीं होते, सिटअप्स एंड स्क्वाट्स होते हैं, वो चीज़ें करने होंगे आपको रनिंग के बाद, अच्छा खासा टाइम मिलता है आप कर लोगे, ओके? जब उसमें बस क्वालिफाइंग चीज़ है ये सभी चीज़ें, रिटेन तो भाई क्वालिफाइंग नहीं है, वहाँ पे कट ऑफ बनेगा रिटेन के ऊपर ही, आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग है, फिजिकल क्वालिफाइंग है, देन आपका होगा एडाप्टिविटी टेस्ट 2। अब बोलोगे क्या होता है ये, देखो एडाप्टिविटी टेस्ट 2 एंड एडाप्टिविटी टेस्ट 1 दो चीज़ें पहले एयरफोर्स ने इंट्रोड्यूस की थी, तो एक को हटा दिया गया, एडाप्टिविटी टेस्ट को अब एयरफोर्स कम्प्लीटली क्या कर रहा है, हटा रहा है, रिमूव कर रहा है, तुम हट जा। एडाप्टिविटी टेस्ट के अंदर होता था SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसके अंदर थोड़े से रीजनिंग के भी क्वेश्चन डाले जाते थे, उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया, बट आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ म्यूजिशियन के अंदर एडाप्टिविटी टेस्ट 2 होगा, इसका मतलब आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, इंग्लिश में होगा, ठीक है? आप अपने को ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर्ड करके जाना, सेम डे होने वाला है भाई, 1 डे के अंदर इतना चीज़ होगा, आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, एडाप्टिविटी टेस्ट हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस होने में आपका सुबह से लेकर रात हो जाएगा। अगर पूरा प्रोसेस आप क्लियर कर पाते हो देन आपको वहाँ से मेडिकल के लिए बता दिया जाएगा कि आपका मेडिकल कब है, या फिर आपको एडमिट कार्ड इशू करना होगा वो करेंगे, लेकिन आपको डेट प्लेस वो सभी चीज़ें इशू कर दिया जाएंगे कि आपका मेडिकल कहाँ कराया जाएगा, कब होगा, उसी दिन आपको बताया जाएगा, बट मेडिकल सेम डे नहीं हो पाएगा, इतना पॉसिबल ही नहीं है,
कि रिटेन भी करा ले, फिजिकल भी करा ले, मेडिकल भी करा ले, नहीं पॉसिबल है। तो जो चीज़ें हैं पहले सुन लो, पहले स्किल टेस्ट आराम से कम टाइम के अंदर हो जाएगा। स्किल टेस्ट सिर्फ पास करना है, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। स्किल टेस्ट पार कर जाओगे देन आपका होगा रिटेन एग्जामिनेशन, जिसके मार्क्स मिलेंगे और इसी के बेस पे फाइनल मेरिट बनेगी, डेट इज एनरोलमेंट। ठीक है, एनरोलमेंट आएगा जब आपका, फाइनल मेरिट बनेगा रिटेन के ऊपर 30 नंबर में से। कोशिश करना कि 25 प्लस स्कोर कर जाए, बहुत ईजी एयरफोर्स की इंग्लिश 25। आपने अग्निवीर में 20 में 20 स्कोर करते देखा होगा बहुतों को, तो क्या रैली भर्ती की जो इंग्लिश होगी तो और ईजी होती है भाई। 25 प्लस स्कोर करो, पॉसिबल हो तो 30 आउट ऑफ 30 करो, बहुत अच्छी चीज़ है। 25 प्लस स्कोर करना है, एक एवरेज बच्चे का काम है, कर लेगा वो। ठीक है, तो कोशिश ये रहना चाहिए कि 25 करें, क्योंकि 25 प्लस स्कोर करोगे देन आपका फिजिकल में बच्चा छटेगा, मेडिकल में बच्चा छटेगा, तब तक आपके चांसेस हो जाती हैं। और वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिकॉज स्किल सर्टिफिकेट बनवा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, स्किल टेस्ट में पास होना बड़ी बात है। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी जो इनरोलमेंट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, आपके रिटर्न के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो जो जानकारी थी एकदम जेन्यून 100% मैंने आपको दे दी। बहुत दिन से बच्चा परेशान हो रहा था कि सर आपने बताया नहीं इसके ऊपर कुछ भी, मैंने बताया था आपने देखा नहीं था। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आई थी तभी मैं बता के चुप हो गया था, मैं एक ही टॉपिक को खींचता नहीं हूँ 20-20 दिन तक, एक बार बता दिया समझ लो। इसलिए कहता हूँ कि हर अपडेट को सीरियसली फॉलो किया करो, जो फॉलो करते उनको पता होता है, जो नहीं फॉलो करते फिर बार बार पूछते हैं। ठीक है, अब उम्मीद है आप रेडी हो गए, प्रिपेयर्ड हो गए। अगर स्किल टेस्ट आता है, स्किल आता है, अगर इंस्ट्रूमेंट का खाली सर्टिफिकेट बनवाए हो तो मत जाना, पैसा बर्बाद होगा जहां भी रैली के ले जाओगे। अगर आपको बजाने आता होगा तो ही जाना, अदरवाइज कुछ ही नहीं होगा, सूखे सूखे भगा देंगे आपको। बजाने ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ना फिजिकल कराएंगे, ना रिटेन देने का मौका देंगे, कुछ नहीं होगा, ना ग्रुप डिसीजन। जब आप स्किल टेस्ट ही पास नहीं करोगे तो आगे का प्रोसेस आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, तो जाने का फायदा क्या, वो एक्सपीरियंस नहीं इसको बोलते हैं। एक्सपीरियंस पता है किसको बोलते हैं, कि हाँ लगता है कि फिजिकल थोड़ी बहुत तैयार है फिर भी चलो हम एक्सपीरियंस लेके आते हैं, प्रिपरेशन हमारी एवरेज है फिर भी चलो हम एग्ज़ाम देके आते हैं। अब ये नहीं कि हमको स्किल टेस्ट ही नहीं आता, हम एक्सपीरियंस देंगे, क्या करोगे जाके, घर पे बजा के देख लो ना, उतना टुनटुना उतना क्या करना जाने का वहाँ पे। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है गाइस, बाकी अभी भी टाइम है स्किल टेस्ट के अंदर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना अगर चाहते हो तो क्लास वगैरह ज्वाइन कर लो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो, एंड रेडी रहो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।